गर्दनी बाग के लिए निकल रहे हैं। हमारे सारे भाई बहन वहाँ आए हैं और हमको हाउस अरेस्ट करने के लिए यहाँ पुलिस पहुँच चुकी है। भाई बहन से कहना चाहते हैं अपने चट्टानी को उठा कर बच्चे दीजिए, किसी भी परिस्थिति में आज हमको राजकर्मी का दर्जा लेना है। इसमें किसी भी तरह का कोई गिरफ्तार करे या कुछ करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको बताइए कहाँ क्या है, लाइए थाना नहीं जाएंगे। आपका रिश्ता भी आ जाते है हमको एटीएम में हमारा गिरफ्तारी वारंट लाइए, हम आपके साथ चलेंगे। कार्यक्रम है प्रशासन की अनुमति से और हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप इस तरह से हमको जब तक हमको नहीं तो कोई अध्यक्ष छोड़ेगा, आप जब तक हमको गिरफ्तार करेंगे अरेस्ट वारंट लेके चलिए हम चलेंगे। अरेस्ट वारंट लाइए, हमको तो ऑर्डर है तब ना हम कार्यक्रम के लिए यहाँ आए। यही तो बोल रहे हैं कि 151 सीआरपीसी में हम चलना पड़ेगा। हमारा आपको गिरफ्तार करना है, आपको प्रशासन की अनुमति से जाना है, कोई अपने मन से थोड़ा जा रहा है। गर्दनी बाग का कार्यक्रम है, प्रशासन कहीं भी हो आपको नहीं जाएंगे मैडम। हमको जब तक डीएम साहब के ऊपर के पदाधिकारी का आदेश नहीं आएगा, हाँ तभी तो उनका आदेश है, हमको परमिशन है तब हम अपना कार्यक्रम में जा रहे हैं। उनसे ऊपर के पदाधिकारी कहेंगे कि डीएम साहब का एसडीओ साहब का परमिशन रद्द कर दिया। बोला ऐसा कि डीएम जो आदेश डीएम साहब के ऊपर आदेश रहेगा हम जाएंगे। हम कार्यक्रम में अनुमति से जा रहे हैं, हम बिना कोई गैर कानून के काम नहीं कर रहे हैं। हमारा अनुमति है कार्यक्रम का, अब कार्यक्रम का अनुमति है और आप कहिएगा कि खाना चलिए तो हमें मेरा कार्यक्रम का समय हो गया। डीएम डीएम के ऊपर बोलते हैं सर, तो इनका कहना है कि आपको जो है तो यही ना बोल रहे हैं साहब का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जब एसडीओ साहब परमिशन दिए हैं तो सर को समझना ना पड़ेगा। और हमको अगर एसएचओ साहब रिटर्न में देते हैं तो हम आते हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं। आप चलिए पूछताछ कर लेंगे सर, अब सब सेट हो गया, आप चले जाइए। आनंद कौशल सिंह है, शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरा कार्यक्रम है जी। तो मेरा जब तक हमको एसडीओ साहब का यह चिट्ठी नहीं मिलेगा तो आपका कार्यक्रम रद्द कर दिया जाएगा। आप मेरे एडवोकेट हैं, बात कर लीजिए। कुछ है कुछ नहीं, नहीं ये आदेश है एसएसपी साहब का कि इनको पूछताछ के लिए थाना ले जाना है, फिर क्या मसला किसी के अंदर किसी भी आदमी को जब पूछताछ के लिए थाना बुलाया जाएगा तो जाएगा।